हम चलते हैं चाचा जी। राम राम। क्या राम राम? तुम ही माफी मांगो उससे, चलो। जी माफी चाहता हूं। चलते हैं चाचा जी, कल चल को छोड़ दो। अब्बा जी आपसे एक दो जरूरी बातें करनी है मुझे। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुमने अपनी बीवी का भी ना सोचा? उसी का सोच के तो इतनी सख्ती बरती है मैंने। मैं आपकी औलाद हूं अब्बा जी, कभी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। हसन को तुमने अपने दोस्तों से पिटवाया, इससे ज्यादा गलत हरकत क्या हो सकती है? अगर वो समझदार ना होता और अपनी मां से कह देता तो तुम जानते हो खानदान में क्या कुछ नहीं होता। और तुमने सुरैया का मैके जाना बंद कर दिया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। उसी हसन की वजह से ये सब कुछ किया मैंने, वरना आप जानते मैं ऐसा नहीं हूं। वो शायद अंदाजा नहीं है अब्बा जी, वो इस घर में फसाद का बीज बो रहा है। पहले फहीम, फिर बीबी, फिर बानो, और अब आप भी उसी की बातों में आ रहे हैं। क्या हो गया आपका अब्बा जी? उससे अपने मामू से तो बात होती नहीं है, इतनी जरूरत तो उसकी है नहीं, बस इस घर में बैठ के तकरीरें करता है वो। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आपके हिंदू और सिखों दोस्त ने ये बातें सुन ली तो क्या हो सकता है। हमेशा से कांग्रेस ही थे अब्बा जी, क्या हो गया आपको? लाला जी से आपकी इतनी दोस्ती है कि बेधड़क आपने उनके बेटे को डांट दिया, और अब आप इन पारियों की बातों में आके उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। नहीं, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। मैं बस रहने दीजिए अब्बा जी, रहने दीजिए। हसन की बातें सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं, उसकी हर बात अच्छी और मेरी हर बात बुरी। वो इंजीनियर बन रहा है इसलिए वो कुछ गलत भी करेगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा, और मैं मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि मैंने इंटर से आगे पढ़ाई नहीं की इसलिए। ऐसा नहीं है सलीम, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर अपने इस बेटे पे भरोसा कीजिए बस। मैंने कहा था ना अब्बा जी सब संभालेंगे। हाँ वाकई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब्बा जी ने इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि दोनों घरों में हमेशा के लिए लड़ाई हो गई। और अगर ऐसा हो जाता तुम्हारा क्या बनता? बनो अभी आप भी ना हर वक्त मुझे छेड़ती रहती।